इम्प्लीमेंटिंग करतो महाराष्ट्रात येतात शिवसेना हुकूमत आहे एनसीपी और काँग्रेसचं सपोर्ट घेऊन गव्हर्नमेंट फॉर्म करी मुनो अनाउन्स करत आहे तमिळनाडू केंद्र कमिशन सपोर्ट ठीक करते इम्प्लीमेंटिंग करते करतो तमिळनाडू वाले अनाउन्स करी तेलंगणा वाले हमें इसे इम्प्लीमेंटिंग करते करतो मुनो अनाउन्स करी आंध्र के अंदर इनो हमें अनाउन्स नहीं करते करतो नहीं जगनमोहन रेड्डी करतो आंध्र जगनमोहन रेड्डी हमें नहीं करते करतो इनो अनाउन्स करतो जितना जितने लावे केरल तमिलनाडु महाराष्ट्र आंध्र तेलंगाना बारह से तेरह स्टेट केंद्र हमें गुजरात के अंदर गुजरात के अहमदाबाद 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 के अंदर ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के अंदर बिहार के अंदर यानी तेरह से चौदह जगह स्टेट के अंदर हमें इसे कौन भी इम्प्लीमेंट करते नहीं डिसाइड करके अनाउंस भी कर देनी अल्लाह के साथ तो मुझे उम्मीद है ताकि एक जगह ये बिल वापस ले दी बीजेपी वाले को उम्मीद है उसे आगे लोगा ये दिखाना हमारी ताकत बड़ी तादाद के अंदर हमें प्रोटेस्ट दूसरे में प्रोटेस्ट को फायदा नहीं है इसके अंदर एकता यूनिटी होना ये आज हमें लोग एक होती है हमें लोग एक होते नहीं ना तो पार्टी है सियासत है हमारी वोटे पर कर लिए गए फाइट कर लिए गए तकदीर लिख डाला किसकी भी तकदीर मैं लिख सकता नहीं तुम्हें लिख सकते नहीं मेरी तकदीर में अल्लाह के पास जब पैदा हो निकाले का हो उनकी तकदीर उन्होंने भी अल्लाह के पास ही लेकर इस दूसरी के बाद नहीं उन्होंने जो बनना वो अल्लाह ऑलरेडी लिखो हर एक आदमी को भेज रहे हैं बनने को अल्लाह जैसा चाहता है बनने दो बोल रहे मगर यहाँ जो है यूनिटी का सवाल एकता मेहरबानी से जुम्मा के अंदर तकलीफ ही की थोड़ी बहुत तुम्हारा तकलीफ ही की थोड़ी बहुत तकलीफ होती खाने का नमाज का वक्त करने के बाद अड़ी घंटे दो अड़ी घंटे हो जाती अड़ी घंटे से तो तीन आते आते तीन घंटे होती जहाँ कोई फंक्शन करते चार साढ़े चार 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 घंटे होती भोजन देखते तो बोलते सारा से एक टाइम का खाना नहीं करते कभी तकलीफ नहीं होती मेहरबानी से मेरी आवाम से गाजारा गुजारे एक आजमाइश हमारा है हमारा इसमें स्ट्रेंथ हमें लोग दिखाना एक मैसेज देना हर स्टेट में कर लेगा ये काम भी जब चटपट में हाल ही में गया था सदर साहब मैं परेशान होने का तब ये थे कुछ जवान वहाँ की मुसलमान की टाउन के अंदर आबादी है सोचे मेरे ख्याल से 15 से 16 हज़ार नहीं वहाँ 25-30 हज़ार टोटल आबादी वो खेड़े का वहाँ दिख रहा था तो उनकी आबादी से 18 से 20 हज़ार यकीन नहीं मानते रहेगा 10 से 12 हज़ार आदमी रोड पर थे दिन बैंक पूरे बिल्डिंग के अंदर थे वो पूरे बैंक पूरे अभी खाने अनाउंसमेंट करी सो क्या वेहिकल का इंतजाम नहीं यार भी इला ये मिला ಎಲ್ಲಾ ಅವರಾದವರು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಸರ್ ವಾರಂಟಿ ಬಂದಿರೋದು ವಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಏನು ಕಾನೂನು ಲೇಖ ಅವರು ಹೋಗಿ ಈ ಕಾನೂನು ಜೊ ಹೇ ಟೋಟಲ್ ಸಂವಿಧಾನ ಕೆ ಖಿಲಾಫ್ ಈ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಿ ಬೇಜತಿ ಹಮಾರಿ ಬೇಜತಿ ನಹೀಂ ಹೈ ಜೊ ಸಂವಿಧಾನ ಲಿಖಿ ಜೊ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಉನ್ಕಿ ಬೇಜತಿ ಉನ್ಕಿ ಖಿಲಾಫ್ ಕರೆ ಸೋ ಅಗರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಕೆ ಫೇವರ್ ಮೇ ಕರ್ತೆ ತೋ ಹಮೇ ಲೋಗೋ ಕೋ ಇಸ್ಕೆ ಖಿಲಾಫ್ ನಹೀಂ ಕರ್ತೆ ಥೆ ಇನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಕೆ ಖಿಲಾಫ್ ಕರೆ ಸೋ ತೋ ಮೇರಿ ಅವಾಮ್ ಸೆ ಏಕ ಆಸೀನಾ ಗುಜಾರಿ ಉಸ್ ದಿನ ಬಡೆ ಥೆ ಗಾ ಪೆ ಏ ಕೋಯಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಹೀಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ मेन में क्या होता है पुलिस से ज्यादा नहीं करना और पुलिस है सो के को पुलिस है सो हमारी हिफाजत के वास्ते जब उनको छवे अटैक करते क्या होता नहीं करना उनको भी दिखाना ये पीस प्रोटेस्ट हमें कर रहे सो हमें इसके खिलाफ नहीं दो चीज ये कर लेना वो पत्थरबाजी करे तो उन्होंने ज्यादा करते सो उसका मौका हमें किसी हालत में देना नहीं हमें साबित करना ये काले मस्जिद का इंतजार पर उतर देना वहां से हमने करने को ये किया ना सबक वो काले मस्जिद का वो क्या उसके बाद कौन परमिशन मुझे तो परमिशन दिया ಜುಮ್ಮಾ ಕೋ ಗುರುದಾರಿ ಪಟ್ಟಾ ಚಾಂಜಾ ನಮಾಜ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಮಕ್ ಮನೆ ನಮಾಜ್ ಪಡ್ಯೋ जितना होगा उतना जल्दी आपको जमे तो जल्दी फंक्शन खत्म करेंगे नजदीक में नमाज मस्जिद को से कोसे इधर दो वहां पर जाता आप सरनी की तरह दो बजे में जम देंगे एक दो और एक बजे के अंदर पूरे जमे तो हम जाते जाते 15 20 मिनट होता वो हमारे डीसी बहुत अच्छा बात करते हैं सदर साहब हमारे नवा रिटायरमेंट रिटायर कर रहे हैं डीसी नो मंगलू के डीसी का क्या नाम उसका संदीप को बहुत अच्छे टाव ने उसके बारे में पिन टू पिन जानकारी रखो मंगलू के अंदर देखा मैं उनका और उन्हें ये पिन टू पिन और देर के स्पीड ये वैसे क्या कुछ भी देना ये चुके पॉलिटिकल लीडर को देना तो उनकी उन्होंने हमारे लिए ताल लगा देती हूँ हमारा समझ में आना एनआरसी क्या है
एनआरसी से क्या फायदा है, एनआरसी